अलीगढ़ में बसपा प्रत्याशी हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय के समर्थन में आगरा रोड स्थित कैलाश फार्म में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने बहुरूपियों से सावधान रहने की सलाह देकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने समाज को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि जब समाज के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो इतिहास नहीं जानेंगे, रोजगार नहीं होगा तो लड़ नहीं सकेंगे। इससे पहले आकाश आनंद को प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय बंटी ने हाथी प्रतीक चिन्ह भेंट कर वो पार्टी पदाधिकारियों ने माला पहनाकर सम्मानित किया। आपकी वजह से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना, और नहीं आपने उसमें कोई पैसा डाला, वो पैसा भी यहाँ की जनता ने दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। तो आप भाई किस बात का क्रेडिट खाते हैं यहाँ पे मंच पर आकर कि राम मंदिर हमने बनाया, राम मंदिर हमने बनाया? क्रेडिट तो तब मिलेगा जब आप जनता के बीच में खड़े होकर बाबरी मस्जिद के लिए वकालत करेंगे और वहां पे बाबरी मस्जिद बनाने का भी काम करेंगे। साथियों, जब बहन जी यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरह प्रदेश चला रही थी तो बहन जी ने अपना मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया। बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत चलकर बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिस योजना के तहत बहन जी ने 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने गरीब घर की बच्ची को पैदा होते ही सबसे पहले लखपति बनाने का काम किया। साथ ही साथ बहन जी की सरकार में बहन जी ने सावित्री बाई फूले आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। साथ ही साथ बहन जी ने यहाँ पर महामाया आवास योजना भी चलाई थी, जिसके तहत चलकर हमारे 3.5 लाख से ज्यादा SC ST OBC व पिछड़े समाज के लोगों को अपना खुद का घर देने का बहन जी ने काम किया था। साथियों, साथ ही साथ बहन जी ने अपनी सरकार में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का काम किया, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती करी। आप यहाँ पर अपने प्रत्याशी को पार्लियामेंट में भेजकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे तो बहन जी यहाँ नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसी योजनाएं चलाकर अपने सभी पिछड़े समाज, अपने सभी दबे कुचले पिछड़े समाज के साथियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगी। देखिए, आज आप लोगों ने देखा होगा, हजारों कार्यकर्ताओं ने आके, मेरे नेताओं ने आके, जितने भी मेरे अग्रज हैं, जैसे मेरे बड़े भाई श्याम सुंदर जी भाई साहब मेरे साथ अभी भी मौजूद हैं, इन सब लोगों ने आके मुझे आशीर्वाद दिया और भाजपा की कमियों को गिनाया। भाजपा कहती है कि हम भ्रष्टाचार विरोधी हैं और किसी से छुपा नहीं है कि इस अलीगढ़ की लोकसभा पर किस चीज़ का खेला कैसे हुआ है। ये मुझसे ज़्यादा आप लोग उसमें रहते हैं, शहर में ज़िले में रहते हैं, आप सब लोगों को पता है। अब वो भाजपा नहीं रही है जो भ्रष्टाचार का नारा देती थी कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे। 10 साल में कुछ भी भ्रष्टाचार भाजपा शासन में घटने की जगह बढ़ गया है। पहले जो काम 1 रुपये में होता था 5 रुपये में होता है, बस इतना हो गया है। मुझे मेरे समाज ने, जैसा मैंने पहले ही कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, भाईचारे का नारा देते हुए आज आप लोगों ने देखा कि सभी धर्म जातियों के, पंथों के, सभी समुदायों के लोगों ने आके मुझे आशीर्वाद दिया और संकल्प लिया कि बंटी भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस नारे के साथ आपने कई बार पंडाल को गूंजते हुए देखा होगा और मैं आभारी हूँ अपने बड़े भाइयों का, सबका, जिन्होंने आके मुझे आशीष दिया और मेरी ताकत को बढ़ाया और मुझे एक कील, अलीगढ़ का सांसद की सीट जीतने में एक कदम आगे बढ़ाया और भाजपा को हराने के लिए एक कील उनके ताबूत में और ठोकी। धन्यवाद।
आज का जो कार्यक्रम था, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी आज आए हुए थे और युवाओं में बहुत चर्चित चेहरा, लोकप्रिय चेहरा है और माठ से 8 बार के विधायक रहे, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हमारे बड़े भाई परम आदरणीय श्री श्याम सुंदर शर्मा जी। ब्राह्मण समाज गर्व करता है उन पर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं आज कि ब्राह्मण समाज बंटी भैया के साथ नहीं है, मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज का अगर कोई नेता है तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में वो केवल श्याम सुंदर शर्मा है, श्याम सुंदर शर्मा। और आज उन्हीं के नेतृत्व में आज यहाँ भारी जनसभा आपको देखने को मिली, बहुत ब्राह्मण बंधुओं ने इस सभा में भाग लिया। निश्चित रूप से ब्राह्मण पूरी तरह, ब्राह्मण पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में बंटी भैया के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ है और इस चुनाव को हम हर कीमत पर जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्या कहेंगे आज कार्यक्रम के लिए? कार्यक्रम के लिए आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट टू अलीगढ़ पीपल्स, मतलब अलीगढ़ वासियों को ढेर सारी बधाई वाणी से, हृदय से, पेट से। और इसलिए बधाई कि जो बंटी कैंडिडेट है बहुजन समाज पार्टी का, हमारे अनु ने तो कहे भी थे किसी की आलोचना कर दी हुई, मैं कहता हूँ क्रिटिक करने नहीं आया हूं, लेकिन जो प्रत्याशी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं उनसे बंटी फार 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 बेटर, भला अगर वो उत्तम है तो सर्वोत्तम का नाम बंटी है। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं 75 कोल विधानसभा से 2022 में प्रत्याशी रहा हूँ। आज किस कार्यक्रम है? आज कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, आकाश भैया ने जो भी संदेश था जो बहन जी के माध्यम से भेजा गया था वो सब जनता तक पहुँचाया। क्या संदेश दिया, क्या क्या बताया? आकाश भैया ने यही कहा कि हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए, हम सब सब वर्गों को साथ में लेके हम लोग चलने वाली पार्टी है, सब बहुजन समाज पार्टी सबको साथ लेके चलती है। मेरा नाम प्रमोद कुमार, ग्राम से आया, ग्राम पोस्ट हरदोई, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। आकाश आनंद भाई जी आए थे जिन्होंने जनता की जनता के लिए बढ़िया संदेश दिया है कि आप जो है BSP को आगे बढ़ाएं, मजबूत बहन जी को मजबूत करें और आगे दिल्ली में सरकार बने जो जनता के लिए आगे लाभ मिले, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय। मेरा तो सीएसएस सिद्धांत यही है, कच्चर जीरा की छाती पे और मोहर लगेगी हाथी पे। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNS News अलीगढ़।